गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वील स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 इन योर इंग्लिश रीडर, विच इज़ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. सो एज यू कैन सी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इट वॉज देर वॉज अ बुक विच वॉज पब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ डायरी रिटन बाय अ गर्ल नेम एन फ्रैंक. एन फ्रैंक करके एक लड़की थी हु वॉज 13 ईयर्स ओल्ड. शी रोट डायरी, उसमें उसने उस डायरी में शी रोट हर फीलिंग्स एंड लेटर ऑन इट वॉज पब्लिश्ड एज अ बुक. एंड आई टेल यू मोर अबाउट दिस दिस गर्ल एन फ्रैंक्स डायरी एंड हर पब्लिकेशन कि ये क्या था. सो बिफोर वी रीड द स्टोरी वील जस्ट नो समथिंग अबाउट इट. एन फ्रैंक्स डायरी वॉज पब्लिश्ड एज एन फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इन इंग्लिश. इट हैज़ ऑल्सो बीन पब्लिश्ड इन मोर देन 60 लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो 60 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज़ बीन. सो इट वॉज सो पॉपुलर. इट इज़ अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ द हॉरर्स ऑफ वॉर एंड हैज़ कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपल विथ इट्स रिसाइलेंट पोर्ट्रेयल ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. सो वाई इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट थी, ये 60 लैंग्वेजेस में क्यों लिखी गई, जबकि वो लड़की 13 साल की छोटी सी एक लड़की थी जिसने ये डायरी लिखी. बिकॉज इस डायरी में उसकी फीलिंग्स थी बिकॉज जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसकी वजह से हाउ थिंग्स वर लाइक डिस्ट्रॉयड, किस तरीके से ह्यूमन स्पिरिट उसने फिर भी अपना जो अंदर का जोश था किस तरह से बरकरार रखना चाहा और किस तरीके से लोगों ने क्या क्या चीज़ें फेस की, लोगों को कितनी दिक्कतों का दुख का सामना करना पड़ा. सो किस तरह से वॉर जो लड़ाई होती है वो कभी भी अच्छी नहीं होती, उसके क्या रिपरकशंस होते हैं, क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, और हॉरर मींस उसका क्या भयानक रिजल्ट निकलता है उसके बारे में पता चलता है. और इस ऐसी दुख की घड़ी में भी उस छोटी सी बच्ची ने अपने अंदर की उम्मीद को कैसे जगाए रखा, अपने आप को कैसे सहारा दिया. तो दैट इज़ एन इंस्पिरेशन. सो मैनी पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस डायरी. सो इट हैज़ बीन रिटन मोर देन 60 लैंग्वेजेस. सो नाउ वील जस्ट स्टार्ट द चैप्टर. So you can just see the screen. Those who are having books, they can see through the book. So this is the diary. And before we read, I'll just tell you the diary. Generally क्या होता है कि whenever diary entries are what, basically I'll tell you what are diaries. Diary entries when we want to express our feelings, our happiness, joy, तो कई बार ऐसा होता है कि we can't express it to everyone. हम अपनी सभी बातें सभी से शेयर नहीं करते हैं. So diary is for that purpose. हम diary में वो अपनी वो बातें लिखते हैं. So many people have this habit of writing diary, जिसमें सिर्फ वो diary से ही शेयर करते हैं अपनी feelings. Dear diary करके वो लिखते हैं. एक्चुअली वेन यू विल मूव अहेड टू अदर फर्दर क्लासेस, जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ेंगे इन इंग्लिश, डायरी एंट्री, हाउ टू राइट अ डायरी एंट्री, डियर डायरी करके यू स्टार्ट राइटिंग एंड किस तरह से अपने अंदर की बातें आप उसमें लिखते हैं. द लैंग्वेज इज़ इनफॉर्मल, क्योंकि आप किसी से शेयर कर रहे हैं बातें तो कोई बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंग्लिश में लेटर्स एंड ऑल दैट आर फॉर्मल. सो डायरी इज़ एंड कैन बी ऑलवेज इनफॉर्मल. So generally it starts from dear diary and all, है ना. Can you imagine how difficult it must be to live in a small room with 7 other people for almost 2 years and never be allowed to step out? क्या आप कभी, before we read this chapter, क्या आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा एक छोटे से रूम में रहना, 7 और लोग हैं उस रूम में और आप हैं, और 2 साल तक आप उस रूम में बंद हो एंड नेवर बी अलाउड टू स्टेप आउट, और आप कभी बाहर भी नहीं निकल सकते, अलाउ ही नहीं आपको, एंड ब्रीथ फ्रेश एयर, और आपको बाहर जाके सांस लेने की, खुली हवा लेने की आज़ादी ही नहीं है. अनफॉर्चुनेटली दैट वॉज वॉट एन फ्रैंक, अ 13 ईयर ओल्ड एंड हर फैमिली हैड टू डू इन जर्मनी इन ईयर 1942. सो इन जर्मनी इन द ईयर 1942, दैट वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, जब दूसरा विश्व युद्ध विश्व युद्ध चल रहा था. उस समय वर्ल्ड वॉर के यही रिपरकशंस था, बिकॉज देवर टू कम्युनिटीज़ इन जर्मनी, नाजीज़ एंड ज्यूज़,
और जो नाजीज थे, नाजी के जो लीडर था दैट वाज अडोल्फ हिटलर, एंड ही वाज लाइक वो डिक्टेटर था, तानाशाह था, वो अपना पूरा क्या कहते हैं लोगों पे जुल्म करता था, और वो ज्यूज़ जो था, दूसरी कम्युनिटी जो ज्यूइश पीपल थे, उनको वो इन्फीरियर समझते थे, उनको वो दबा हुआ समझते थे, और उनको वो बाहर निकालना चाहते थे, प्रिजन में कैद करके रखना चाहते थे, और उन्होंने काफ़ी लोगों को इम्प्रिजनमेंट, उनको प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर बंद करके रखा था. सो बेसिकली दिस इज दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी लर्न, वील कम टू नो दैट हाउ नाजीज वर सप्रेसिंग, दबा रहे थे ज्यूइश पीपल को, और दबाने के साथ साथ ही उन्होंने किस तरह से उन पर जुल्म किया था, किस तरीके से एन फ्रैंक अपनी फीलिंग्स दिखाती बताती है, जबकि उसने बाहर जाके 2 साल तक ऑलमोस्ट घर के अंदर नज़रबंद जिसे कहते हैं बंद होके रही, बिकॉज अगर वो देल स्टेप आउट तो देल गेट किल्ड, उनको मार दिया जाएगा. तो किस तरीके से आज हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अंदर बाहर कहीं भी जा सकते हैं, सांस ले सकते हैं. सो मे बी वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, हमें समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसा था. बट अगर आपको ऐसे ही अंदर बंद रहना पड़े और कहीं किसी से बात नहीं करना पड़े, तो हाउ डिफ़िकल्ट, हाउ डिसहार्टनिंग इट विल बी, कितना दुखदाई होता है. सो लेट्स रीड द एंड फाइंड आउट मोर. ठीक है, नाजीज कहाँ कौन है, बिफोर वी रीड वील जस्ट सी द ब्रैकेट. इसमें लिखा है नाजीज आर मेम्बर्स ऑफ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. सो दे वर रूलिंग, वो दबा रहे थे ज्यूज को. ज्यूज कौन थे, मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी हुज ट्रेडिशनल रिलीजन इज जुडाइज्म एंड हु ट्रेस देयर ओरिजिन्स टू द एंशियंट हेब्रू पीपल ऑफ इज़राइल. सो इज़राइल के हेब्रू जो उनका ओरिजिन्स थे, जो रूट थे, जो उनके जड़ थी, वो जो उनके ओरिजिन्स थे, वो हेब्रूइश इज़राइल को बिलोंग करते थे. वो जुडाइज्म जो धर्म है उसको मानते थे, और नाजीज चाहते थे कि ये जर्मनी छोड़ के चले जाएँ. एंड हिटलर वॉज हैविंग अ डिक्टेटरशिप, वो तानाशाही कर रहा था इन जर्मनी. ठीक है, सो इन्फीरियर होता है, लोअर इन रैंक और स्टेटस, डिस्ट्रॉयज टू रून, किसी चीज़ को बर्बाद करना. ठीक है, सो नाउ वील स्टार्ट दिस स्टोरी. During the World War II in Europe, the Nazis of Germany considered the Jews as inferior to him. World War II में यूरोप में नाजीज जो जर्मनी के थे, वो ज्यूज को अपने से inferior समझते थे. They wanted to destroy the Jewish people and their culture. उनका क्या उनकी चाह थी, वो क्या सोचते थे कि वो Jewish people को, जो Jew धर्म को belong करते हैं, जो Judaism को मानते हैं, उन लोगों को destroy करना और उनके culture को, उनकी जो संस्कृति है उसको तबाह करना. एज अ रिजल्ट दे स्टार्टेड सेंडिंग द ज्यूज टू प्रिजन कैंप्स, और इसके लिए ही वो ज्यूज को प्रिजन कैंप में भेजने लगे. एंड फ्रैंक वॉज ऑल्सो अ ज्यू, एंड फ्रैंक भी एक ज्यू थी. टू सेव हरसेल्फ एंड हर फैमिली, एंड अलॉन्ग विथ हर मदर एडिथ, फादर ऑटो एंड सिस्टर मार्गोट वेंट इन टू हाइडिंग इन द बैक रूम ऑफिस एंड वेयर हाउस ऑफ एन्स फादर्स बिजनेस. सो एन फ्रैंक जो है वो ज्यू थी, और इस वजह से वो एन फ्रैंक अपनी मदर एडिथ, एंड मदर का नाम एडिथ था, फादर का नाम ऑटो था, सिस्टर का नाम मार्गरेट. सो मार्गरेट और ये मदर फादर, ये चार लोग जो हैं, दे स्टार्टेड दे वर सेंट इनटू हाइडिंग, वो कहीं एक जगह छुप गए, बैक रूम ऑफिस ऑफ द वेयर हाउस, जहाँ पर एन के फादर का बिजनेस चलता था, वहाँ पर एक वेयर हाउस, एक सीक्रेट देर वॉज अ स्टोर काइंड ऑफ थिंग, उसके बैक रूम में, उसके पीछे कई सीक्रेटली दे स्टार्टेड लिविंग देयर ओनली, वो अंदर ही छुप गए. फोर अदर ज्यूज ऑल्सो हिड विद देम इन द स्मॉल स्पेस, उसी जगह पे अपनी जान बचाने के लिए चार और भी ज्यूज थे, जो जिन्होंने अपने आप को छुपा लिया था इन द स्मॉल प्लेस. एंड देयर नॉन ज्यूइश फ्रेंड्स स्मगल्ड फूड एंड अदर सप्लाइज टू देम. बट उसमें से कुछ भले लोग भी थे जो कि नॉन ज्यूइश थे, वो ज्यू रिलीजन को बिलोंग नहीं करते थे, बट वॉट दे बिलोंग, वो किस वजह से उनकी हेल्प कर रहे थे, वो ह्यूमैनिटी की वजह से, वो जो लोगों के अंदर परोपकार होना चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए, वो उस वजह से काइंडनेस के लिए. और इट नो रिलीजन टेल्स अस कि दिस रिलीजन इज़ गुड और बैड. सो हमें हर एक इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, कभी किसी को ये सोचना चाहिए. तो उसी वजह से वो उनके ऐसे नॉन ज्यूइश फ्रेंड थे, जो स्मगल करना मतलब जब किसी अथॉरिटी के को बताए बिना आप कुछ लेके आते हो, तो उसको चोरी छुपे लाने को स्मगल. तो वो स्मगल कर रहे थे फूड और कुछ सप्लाइज, जैसे खाने पीने की चीज़ें और भी कुछ जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें, वो स्मगल करके लाना मतलब बिना बताए सीक्रेटिवली लाके उनकी मदद करते थे. दे वर बेसिकली हेल्पिंग देम.
सो दे वर हाइडिंग, ये लोग छुपे हुए थे. एन फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन 12th June 1929. शी बिगैन टू कीप अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे 12th June 1942. 3 weeks लेटर दे वेंट इन टू हाइडिंग. एन फ्रैंक 12th June 1929 को बॉर्न हुई थी और 12th June 1942 को एग्जैक्टली वेन शी वॉज 13 years old उसने अपने 13th birthday पे एक डायरी रखनी शुरू की. 3 weeks लेटर दे वेंट इन टू हाइड. और जैसे ही उसने डायरी रखनी शुरू की उसके 3 हफ्ते बाद ही वो लोग छुपने एक हाइडिंग हाइड आउट में चले गए. ठीक है. एन्स फैमिली नेवर लेफ्ट देयर हाइड आउट अंटिल अनफॉर्चुनेटली द नाजी पुलिस डिस्कवर्ड देम इन August 1944. एन की फैमिली ने कभी भी अपना हाइड आउट जो था, जो छुपने की जगह थी, वो कभी भी किसी छोड़ के नहीं गए, बाहर नहीं निकले, ताकि वो उनके ऊपर अदरवाइज वो छोड़ के जाएंगे और बाहर निकल गए और पता चल गया तो दे विल गेट किल्ड. बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से क्या हुआ कि नाजी पुलिस को August 1944 में, लाइक 2 ईयर्स के बाद, 1942 को वो छुपना शुरू हुए थे एंड 1944 दो साल बाद उनको पता चल गया कि ये कहाँ छुपे हैं. सो दे वर फाउंड, उनको पता चल गया था, वो ढूंढ लिया गया था. दे वर देन मूव टू कंसंट्रेशन कैम्प वेयर एन्स मदर डाइड इन 1945. मतलब नेक्स्ट ईयर ही उनको जैसे ही कंसंट्रेशन कैम्प कहें पर, जहाँ पर इन सबको बांध के रखा होगा, जहाँ पर इन सबको एक तरह से बंदी बना के रखा था, वहाँ पर इनको ले गए जहाँ पर एन की मदर नेक्स्ट ईयर ही 1945 में शी डाइड, वो उनकी डेथ हो गई. सून आफ्टरवर्ड्स एन एंड हर सिस्टर ऑल्सो डाइड ऑफ अ इन्फेक्शियस डिजीज़. अब सिंस हाइजीनिक कंडीशंस वर नॉट गुड, सारे इन्फेक्शियस पीपल वर मस्ट बी स्टेइंग विथ ईच अदर. तो इन्फेक्शन मतलब जब किसी से एक दूसरे से किसी को कोई बीमारी हो जाती है ऐसी जो स्प्रेड होने लग जाती है, ऐसे कोई इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज़ या कुछ हुआ और उसकी वजह से सून पहले उनकी मदर की डेथ हुई और उसके बाद सून जल्दी ही उसके बाद एन और उनकी सिस्टर की भी डेथ हो गई. सो दिस दे आर टेलिंग, देयर फादर वॉज द ओनली फैमिली मेम्बर हु हैड सर्वाइव्ड. सो उनकी फैमिली में, सो ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ऑन बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर्स विल बी आस्ड लेटर ऑन फ्रॉम द चैप्टर. तो इनमें से कौन बचे थे? ओनली हर फादर वॉज द वन हु सर्वाइव, जो बचे थे. एंड वेन फ्रेंड्स फाउंड एन्स डायरी इन हाइडिंग प्लेस दे गेव टू हर फादर हु गॉट इट पब्लिश्ड इन 1947. जब उनके फ्रेंड्स ने एन की डायरी को उसकी हाइड आउट प्लेस में पाया तो उन्होंने वहाँ पर ये वो डायरी डिस्कवर करके उनके फादर को हैंड ओवर किया एंड उन्होंने 1947 में इसको पब्लिश किया. So Anne, who missed the company of her friends, had maintained a diary. Ultimately, the closest friend she had during her tragically short life was her diary. She addressed it as Kitty. It was only to Kitty that she entrusted her innermost thoughts. So it was very sad. आप ये imagine कीजिए कि एक 13 साल का बच्चा है जिसके पास बाहर जाने के लिए, सांस लेने के लिए कोई नई जगह नहीं है, ना वो उसके कोई दोस्त है, ना किसी से वो बात कर सकती है. तो Anne ने अपने दोस्तों की कंपनी को मिस करना शुरू किया और इस वजह से उसने डायरी मेंटेन की. अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड उसकी वो डायरी ही थी. उसकी ट्रेजिकली एक दुखदाई, एक छोटी सी जो उसका ज़िंदगी थी, सिर्फ 13 साल वो जो जी थी, उसमें वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त डायरी ही थी. उसने अपनी डायरी को जैसे किसी पर्सन का नाम देते हैं, जैसे किसी सहेली या दोस्त का नाम देते हैं, ऐसे उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था. वो एक किटी ही थी जिसके साथ वो अपने इनर मोस्ट इंटरेस्टेड, अपने भरोसा करके अपने अंदर की फीलिंग और अपने थॉट्स उससे शेयर करती थी. सो एन्स थॉट ऑफ करेज एंड होप आर रिकॉर्डेड इन हर डायरी. एन की डायरी क्यों स्पेशल है? क्योंकि ऐसे दुख वाले माहौल में भी उसके अंदर जो स्पिरिट थी, जो एक करेज था, जो एक धैर्य था किसी चीज़ को सामना करने का, वो उस रिकॉर्ड डायरी में रिकॉर्ड किया है. दे हैव इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ रीडर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. इसकी डायरी में यही खास बात थी कि उसके करेज का जो है, उससे इंस्पिरेशन कई मिलियन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में ली है. हेयर आर सम एक्सर्ट फ्रॉम हर डायरी. उसकी डायरी के छोटे से एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं. ठीक है. वेन आई राइट आई कैन शेक ऑफ ऑल माई केयर्स. सो डिस्क्राइबिंग हर डिस्पेयर, आई हैव रीच्ड द पॉइंट वेयर आई हार्डली केयर वेदर आई लिव और डाई. द वर्ल्ड विल कीप ऑन टर्निंग विदाउट मी एंड आई कॉन्ट डू एनी थिंग टू चेंज इवेंट्स एनी वे. I'll just let matter take their own course. So पहले वो बोलती, when I write, I can shake off all my cares. बोलती कि जब मैं
लिखती हूँ तो मैं अपनी सारी वरीज और सब कुछ निकाल देती हूँ, एंड आई शेक ऑफ ऑल माई केयर्स, ऑल माई वरीज एंड ऑल दैट. मेरे अंदर दिल की बातें जो होती हैं वो सब निकल जाती हैं. पहले वो ये लिखती है, बाद में बोलती है कि मैं एक ऐसे पॉइंट में पहुंच गई हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि दो साल से, मतलब शी वॉज जस्ट, तो वो बोलती है कि मैं एक ऐसे पॉइंट में पहुंच गई हूँ, ऐसा टाइम है कि मुझे हार्डली इट मैटर्स टू मी, मुझे मुश्किल से ही कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं अब जीऊँगी या मैं मरूँगी. बिकॉज नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू लिव. मैं जैसा चल रहा है वैसे ही चल रही हूँ, जितने दिन मैं चल रही हूँ मैं उस समय अच्छे से करूँ. द वर्ल्ड विल कीप ऑन टर्निंग विदाउट मी. ज़िंदगी तो लोगों की चलती रहेगी, मैं नहीं रहूँगी तभी भी लोग चलते रहेंगे, एंड आई कॉन्ट डू एनी थिंग टू चेंज इवेंट्स एनी वे. तो वो बोलती कि अगर आगे लाइफ चलेगी सबकी तो वो चलेगी, और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर पाऊँगी अगर मैं नहीं भी रही और रही भी. तो वो एक छोटे से बच्चे का ये सोचना बहुत बड़ी बात होती है. आई जस्ट लेट द, वो कहती मैं चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देती हूँ और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, एंड कंसंट्रेट ऑन स्टडिंग एंड होप दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन द एंड. और मेरा काम क्या है, मेरा काम है स्टडीज़ करना. मतलब उसे ये नहीं पता कल मैं ज़िंदा हूँ या बचूँगी या नहीं, लेकिन कहती मेरा काम पढ़ना है और कंसंट्रेशन मेरी अपना जो मेरा ध्यान है वो मेरी स्टडीज़ में है, और मैं ये होप करती हूँ, मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि शायद एक दिन सब कुछ एंड में ठीक हो जाएगा. ये ऐसा लिखती हैं. सो शी स्टिल होपफुल कि वो ऐसा ठीक हो जाएगा. ऑन हर ओल्ड कंट्री जर्मनी, अच्छा अपनी कंट्री जर्मनी के बारे में भी उसने कुछ लिखा है. द स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमैनिटी दोज जर्मन्स, एंड टू थिंक आई एम एक्चुअली वन ऑफ देम, नो दैट्स नॉट ट्रू. हिटलर took away our nationality long ago, and besides there are no greater enemies on earth than the Germans and Jews. So वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि मेरे fine specimens of humanity. So बोलते हैं कि ये जो Germans, जर्मनी में रहने वाले लोग जो हैं फाइन स्पेशमेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की जो मानवता के जो स्पेशिमेन है, जो मानवता को दर्शाते हैं ये जर्मन्स. वो बोलते हैं अगर आप ये सोचते हो कि मैं आपके जैसी हूँ, मैं जर्मनी की हूँ, नहीं, मैं ये सही नहीं है. बोलते हिटलर ने कब से हमारी नेशनलिटी एक बहुत लंबे समय से ले ली, बिकॉज दे ऑल यूज़ टू हेट हिटलर बिकॉज ही वॉज अ डिक्टेटर. वो जो अपना चाहता था वही रूल करता था, एंड इट इज़ नॉट राइट टू फोर्स समथिंग ऑन अदर्स. जो दूसरों के ऊपर किस तरीके से उन्हें लाइफ जीनी है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हें प्रिजन में रखना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. सो वो कहते हैं कि हिटलर ने कब से हमारी नेशनैलिटी एक लंबे समय पहले से ले ली थी. सो बिसाइड देर आर नो ग्रेटर एनिमीज़, हमारे अर्थ में हमें लगता है कि एक दूसरे के जो एनिमीज़ हैं, जर्मन्स और ज्यूज़ जो हैं वो ही खुद एक दूसरे के एनिमीज़ हैं. और इस तरीके से इस, मतलब एक बोलते हैं इस अर्थ में ही आपको जर्मन्स और ज्यूज़ से बड़े एनिमीज दुश्मन कहाँ मिलेंगे. ये इसने अक्टूबर 9 अक्टूबर 1942 को लिखा था. सो दिस वर हर थॉट. देन ऑन स्टिल बिलीविंग, अभी भी वो क्या बिलीव करती है उसके बारे में उसका एक्सपर्ट्स फ्रॉम डायरी क्या है. इट्स अ वंडर आई हैवंट अबैंडन्ड ऑल माई आइडियल्स, दे सीम सो अब्सर्ड एंड इम्प्रैक्टिकल, येट आई क्लिंग टू देम बिकॉज आई स्टिल बिलीव इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट पीपल आर ट्रूली गुड एट हार्ट. फिर ये एक और उसका थॉट प्रोसेस है. वो कहती है कि मुझे अपने आप पर वंडर, ये ताजुब है कि मैं अभी भी अबैंडन्ड, मतलब मैंने छोड़े नहीं है. जब किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, तो कहती मैंने अभी भी अपने जो आदर्श हैं, जिन चीज़ों को मैं आइडल मानती हूँ, जो चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में ह्यूमैनिटी में, मैंने उसे छोड़ा नहीं है. इतना दुख झेलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, इतनी प्रिजन में रहने के बाद भी मैंने अपना आइडल छोड़ा नहीं है, आइडल्स नहीं छोड़े, आदर्श नहीं छोड़े हैं. दे सीम सो अब्सर्ड एंड इम्प्रैक्टिकल, जबकि मुझे पता है कि अब ऐसा लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, वेदर आई लिव और डाई येट, लेकिन फिर भी मैं आई क्लिंग टू देम, फिर भी मैं अड़ी हुई हूँ उन पर कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बिकॉज मैं अभी भी ये सोचती हूँ इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग. मुझे अभी भी ये लगता है कि स्टिल चाहे कुछ भी हो, लोगों का दिल बुरा नहीं है, लोगों के अंदर की सोच बुरी नहीं है, वो किसी न किसी से एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं. सो पीपल आर बेसिकली ट्रूली गुड एट हार्ट, लोग अंदर से अच्छे ही होते हैं. It's utterly impossible for me to build my life on a foundation of chaos, suffering and death. I see the world being slowly transformed into a wilderness.
I hear the approaching thunder that one day will destroy us too. I feel the suffering of millions, and yet when I look up at the sky, I somehow feel that everything will change for better, and that this cruelty too shall end, that peace and tranquility will return once more. क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये इसके एक मतलब इस लास्ट पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में, इस पोर्शन में शी हैज़ एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग्स कि क्या होना चाहिए, क्या होता, काश ऐसा होता. ये बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है कि मैं अपनी जो लाइफ है, अगर मैं जीना भी चाहती तो मैं इतनी क्योस में, इतनी क्योस इज़ व्हाट यहाँ पर दिया हुआ है, क्योस इज़ टर्मोइल, कन्फ्यूजन, जो जहाँ पर कुछ किसी को पता ही नहीं किसी के बारे में, जहाँ लोगों को बंदी कर रखा है ये पर. तो कहते हैं मैं इस क्योस में अपनी ज़िंदगी की क्या फाउंडेशन बना पाऊँगी, क्या सफरिंग एंड डेथ, लोगों की सफरिंग, लोगों की डेथ पे, लोगों की पीड़ा पे मैं क्या फाउंडेशन बनाऊँगी, क्या लाइफ जी पाऊँगी. तो शी वॉज़ वेरी मच श्योर कि हम कहाँ बचेंगे. आई सी द वर्ल्ड बींग स्लोली, मैं कहती मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे ये जो संसार है, ये वाइल्डनेस किस तरीके से वेस्ट लैंड बन चुका है, किस तरीके से रहने लायक नहीं बन गया है, क्योंकि लोग एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं. आई हियर द अप्रोचिंग, वो कहते हैं मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे कोई एक बड़ा सा थंडर, एक दिन एक ऐसा तूफान आने वाला है जो हम लोगों को भी बर्बाद कर देगा. मुझे लोगों की, मिलियन लोगों की सफरिंग्स का एहसास हो रहा है, उनके दुख और दर्द का एहसास हो रहा है. एंड येट, और तभी भी मैं जब ऊपर देखती हूँ आसमान के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है आसमान को देख के कि फिर भी मेरे अंदर फिर भी होप है, उम्मीद है कि क्या पता एक दिन सब कुछ बेटर होने के लिए चेंज हो जाए, और ये जो क्रुएलिटी है, ये जो बड़बड़ता जिसे बोलते हैं, क्रुएलिटी को जिसे बोलते हैं कि किसी पर शोषण करना, ये जो क्रुएलिटी है, बर्बरता, ये भी एक दिन एंड हो जाएगी, एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी विल रिटर्न वंस मोर. ट्रैंक्विलिटी होती है जब काम, सीरीन, अच्छा सा एनवायरनमेंट होता है, जब शांत होता है. तो बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन ये सारी क्रुएलिटी, ये सारा केओस जो है वो एंड होगा, और किसी दिन ट्रैंक्विलिटी और पीस हमें लोगों को फिर से नसीब होगी. और ये July 15, 1944 को दिस वॉज रिटन बाय हर. सो आप इसके एक्सट्रैक्ट्स में से देख सकते हैं डायरी के अलग अलग उसमें कि एवरीवेयर इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ सफरिंग, लोगों के इतनी सारी सफरिंग देखने के बाद, खुद भी सफ़र करने के बाद भी शी वॉज सो मच होपफुल कि एक ना एक दिन चीज़ ठीक हो जाएगी. फिर भी शी यूज़ टू से कि लोग दिल के बुरे नहीं होते, ऑल्दो दिल से वो अच्छे ही होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में जो क्योस चल रहा है उसको वो होप करती है कि वन डे इट विल बी बेटर फॉर सून, है ना. सो दिस वॉज द डायरी, एंड एज आई टोल्ड यू दैट इट वॉज अ वेरी फेमस पार्ट ऑफ द डायरी. लेटर हर फादर गॉट इट पब्लिश्ड, एंड इसको मोर देन 60 लैंग्वेजेस में लिखा गया है, जिसमें एक किसी के शौर्य सिर्फ किसी चीज़ को करने से ही नहीं होता है, किस तरीके से उस छोटी सी बच्ची के अंदर जो फीलिंग थी, उसने किस तरीके से वॉर के भयानक क्या कहते हैं आउटकम्स को, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हुए, उसको समझा और लोगों के साथ क्या डायरी के साथ शेयर किया. लेटर ऑन वी ऑल केम टू नो, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, एंड इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन मोर देन 60 लैंग्वेजेस. एंड आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग एंड डीप, वेरी डीप मीनिंग ऑफ दिस डायरी एक्सट्रैक्ट. एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, वी कैन डिस्कस the difficulties and even the difficult words of this chapter tomorrow, and tomorrow we'll do the comprehension also of this chapter. Thank you and have a nice day.